नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। एक कहावत है कि नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन गाजीपुर के लोग नेकी करके दरिया में नहीं डाल रहे हैं बल्कि अपनी नेकी को दीवार पर टांग रहे हैं। इसके पीछे सोच यह है कि जो आपके पास अधिक है उसे यहाँ छोड़ जाए और जिसकी इसकी आवश्यकता है उसे यहाँ से ले जाए। दरअसल नेकी की दीवार का कॉन्सेप्ट ईरान का है, जहाँ पर लोग अपने पुराने कपड़े, जूते और अन्य आवश्यकता के सामानों को नेकी की दीवार पर ले जाकर टांग देते हैं और उन सामानों को ऐसे गरीब लोग लेकर जाते हैं जो इन्हें खरीद नहीं सकते हैं। गाजीपुर में भी कचहरी के पास आज ऐसी ही एक नेकी की दीवार खड़ी की गई। कुछ समाजसेवी नेकी की दीवार के माध्यम से ऐसे गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास सर्दियों के लिए कपड़े नहीं हैं और साल कंबल आदि भी नहीं है। गाजीपुर की समस्त जनता से इन लोगों ने अपील की है कि यदि आपके पास कोई पुराना कपड़ा, स्वेटर, कंबल, जूता आदि है तो उसे साफ कर इस नेकी की दीवार तक पहुँचाए, ताकि ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद जो कपड़े, स्वेटर और कंबल नहीं खरीद सकते हैं उन तक ये जरूरत की चीज़ें पहुँच सके और वह सर्दियों से बच सके। जी, ये नेकी की दीवार एक पहल है जिससे हम लोगों की, गरीबों और असहायों की मदद करना चाहते हैं। हमारा अपना ये मानना है कि लोग समय अभाव में चाहते तो हैं कि वो लोग गरीबों की, असहायों की, जरूरतमंदों की मदद करें, लेकिन सही प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता है। और आज मैंने देखा कि एक दीवार, नेकी की दीवार नाम से हमने एक जगह निश्चित किया था कचहरी पे, और लोग आते जाते जिनके पास समय नहीं है, जो अधिकारी वर्ग के हैं, जो कर्मचारी वर्ग के हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं, पत्रकार महोदय लोग हैं, सारे लोग जिनके घर में अपने कपड़े उनके इस्तेमाल में नहीं आते हैं, जूते अपने इस्तेमाल में नहीं आते हैं, लेकिन वो घर में पड़े हुए हैं, आज वो अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर रख के जाने का काम कर रहे हैं। और ये किसी बैनर के तले नहीं हो रहा है, ये आम जनमानस के सहयोग से हो रहा है। और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि यहाँ अब तक 1000 कपड़े रखे जा चुके थे और 1000 कपड़े यहाँ के जरूरतमंद लोग आकर के कचहरी पर से लेके जाने का काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए पहले तो जनपद को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम जगह जगह, कस्बों में, ब्लॉकों में, तहसीलों पर आयोजित किया जाए, ताकि लोगों की, बेसहारों की मदद। दिल्ली में अलका तरह ना देती है सरकार, हम उनके तुम्हारा कपड़ा बांटना पड़ेगा। एक लोग दो कपड़ा ईमानदारी से